तो देखो, एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट को होने में ज्यादा कुछ घंटे बाकी नहीं रह गए। जिन लोगों को नहीं पता, इंडिया के अंदर ये दोपहर में 3:30 बजे आएगा। हाँ सही सुन रहे हो तुम लोग, दोपहर में ये इवेंट आने वाला है। तो तुम लोगों ये मत सोचना है कि कल सुबह आएगा इवेंट। तो एक बार फिर से मैं टाइमिंग तुम लोगों से कन्फर्म कर दे रहा हूँ। अभी फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब बज रहा है 10, तो 11 बजे तक शायद वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन आएगा शो 3:30 बजे। तो एक फाइनल प्रेडिक्शन वाली वीडियो तो बनती है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट WWE का आखिरी स्टॉप होगा रेसल मीने से पहले। आई नो ऐसी सच कुछ हाइप नहीं है इस वाले शो के लिए, लेकिन मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा, वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा। एंड जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या था रॉक शो पर आएंगे या फिर इन्हें कन्फ्रंट करने के लिए कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस को, इन सभी चीजों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो पहले मैं प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ता हूँ, बाकी हम लोग रेस्ट ऑफ द चीजों की तरफ बढ़ेंगे। बात करें प्रेडिक्शन के बारे में, तो एक मैच होने जा रहा है शो के ऊपर जहां पर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होंगी, जब फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट फेस करेंगे बच एंड टाइलर बेट का, बच कह लो या फिर पीट डन कह लो। ये पूरा मैच जो है वो WWE ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। देखो ऐसे इस वाले मैच के अंदर मुझे कुछ खास ऐसा एलिमेंट दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से बैंगर मैच डेफिनेटली होगा। बच और जो टाइलर बेट है, सॉरी पीट डन एंड जो टाइलर बेट है, वो डेफिनेटली कुछ बड़े स्टार्स हैं कंपनी के अंदर। एंड आई रियली होप WWE यहां पर कुछ अच्छा टैलेंट शोकेस करेगी। बात रही विनर के बारे में, तो मुझे लगता नहीं कि शायद जजमेंट डे यहां पर चैंपियनशिप हारेगी। दैट्स व्हाई जो मेरी पिक होगी वो जजमेंट डे के साथ रहने वाली, और शायद फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट अपने जो टाइटल रीन है उसे कंटिन्यू रखेंगे इस वाले पूरे मैच के अंदर। इसके अलावा तुम लोगों को बता दूं, WWE ने जो किक ऑफ के लिए शो है वो भी ऑलरेडी ऑफिशियली वे में अनाउंस कर डाला है, क्योंकि किक ऑफ का पार्ट होने वाला है जहां पर काबुकी वॉरियर्स अपनी चैंपियनशिप को करने वाली एक बार फिर से डिफेंड। और मुझे लगता नहीं कि इस वाले मैच के अंदर भी टाइटल चेंज होगा, बिकॉज वो फेस करेंगी कैंडिस लेरी एंड इंडी हार्टवेल का। देखो ऐसा हो सकता है अगर बेली शो पर होती तो बेली आके कॉस्ट करती उन्हें, तब जाके चैंपियनशिप उनके हाथ से चली जाती, लेकिन बेली वगैरह भी फिलहाल ऐसा इस इवेंट के लिए अनाउंस भी नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी फिलहाल जो WWE कंपनी वाले हैं वो इस वाली चीज को पूरा करने वाले हैं कि भाई देखो ये बेली आ रही है कॉस्ट कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है काबू की वॉरियर्स रिटेन करेंगे अपनी चैंपियनशिप को इस वाली चीज के ऊपर। बात करते हैं वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच के बारे में। वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा, जो विनर है उसे वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल यानी कि रिया रिप्ली या फिर नाया जैक से फेस करने का मौका मिलेगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। पार्टिसिपेंट्स कुछ इस तरीके से, लिव मॉर्गन, राकेल रोड्रिगस, नायोमी, साथ में हमारी बेकी लिंच, बियांका बेलेयर एंड टिफनी स्ट्रैटन। अब देखो मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर दो ही मेरी पिक रहने वाली हैं। एक पिक होगी मेरे बेकी लिंच के साथ में, और सेकंड नंबर पे मैं रखना चाहूंगा लिव मॉर्गन को। मुझे पता नहीं ये भी फीलिंग क्यों आ रही कि शायद जो मैच है वो क्लिफ हैंगर एंडिंग के अंदर एंड हो सकता है। क्लिफ हैंगर एंडिंग इन द सेंस कि आखिरी में जो बेकी लिंच एंड लिव मॉर्गन है वो कुछ इस तरीके से कुछ हो जाएगा बैक एंड फोर्थ टाइप सा, जिसे देखने में ये लगेगा कि भैया बेकी लिंच जीती है या फिर लिव मॉर्गन, और इवेंचुअली जो चीज है वो रिजल्ट करेगी एक ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर जहां पर शायद रिया रिप्ले का ये दोनों फेस करती हुई नजर आए। बाकी मुझे बियांका बेलेयर का चांस इसलिए नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है WWE के पास उनके लिए कुछ अलग सेपरेट प्लान्स होंगे। आई डोंट थिंक सो वो जाने वाली है इस पूरी चैंपियनशिप के पीछे, और वो रिया रिप्ले का फेस करेंगी। बेकी लिंच का WWE ने बहुत बार टीज किया, दैट्स व्हाई उनका अच्छा खासा चांस है, और स्टोरी ऑलरेडी लिव मॉर्गन की है रिया रिप्ले के साथ में। तो चांसेस हर जगह से हैं कि WWE वाले एक ट्रिपल थ्रेड मैच करवा सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल पिक रहेगी तो मैं जाऊंगा अपनी बेकी लिंच के साथ में, अपनी मतलब क्या सेथ की बेकी लिंच के साथ में। एंड आई रियली थिंक वो जीत सकते हैं इस वाले पूरे मैच को। शो पर मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच भी होने वाला है, ये स्टैक्ड मैच होगा बिकॉज केविन ओवेंस फेस करने वाले बॉबी लैशले का, रैंडी ऑर्टन का, ड्रू मैकइंटायर का, लोगन पॉल का एंड LA नाइट का। जो विनर होगा उसे मौका मिलेगा सेथ रॉलिंस के खिलाफ एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का रेसलमेनिया 40 के अंदर। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मैच है, बहुत अच्छा मैच WWE ने वाला बुक किया है, और पार्टिसिपेंट भी अच्छे हैं। तुम देखोगे पावर हाउस है, हाई फ्लायर्स है, लेजेंड है, सब इस मैच के अंदर तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन बात रही विनर प्रेडिक्शन के बारे में, तो मैं हल्का सा कंफ्यूज हूं। मुझे लग रहा है कि शायद ड्रू मैकइंटायर ही जीतेंगे, लेकिन ये भी फीलिंग आ रही है कि रैंडी ऑर्टन किस तरीके से हारेंगे मैच के अंदर, वो भी एक बड़ा डाउट है। देखो एक चीज ये हो सकती है कि जो सोलो है वो आ सकते हैं मैच में, बिकॉज सोलो और ऑर्टन की कहानी थोड़ी बहुत WWE दिखा रही थी जब उनका रोमन के साथ फ्यूड चल रहा था। तो अगर सोलो आके अटैक करते हैं ऑर्टन को, तो ऑर्टन डेफिनेटली एलिमिनेट होंगे और ड्रू मैकइंटायर ही मैच से विक्ट्री हासिल करेंगे। लेकिन अगर सोलो नहीं आते तो मैं थोड़ा हैरान हूं कि WWE क्या ऑर्टन को क्लीन पिन करवाने वाली है। बाकी बात रही एक सिंगल विनर प्रेडिक्शन के बारे में, तो ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर के साथ में। आई गेस जो मैकइंटायर है वही जीतने वाले हैं, एंड मैकइंटायर आगे जाके सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर। अच्छा बात करें एक और बड़े मैच के बारे में, बिकॉज इसके अलावा शो के ऊपर जो मेन इवेंट है वो होगा हेडलाइन करेगा शो को, रिया रिप्ली और नाया जैक्स का मैच। अभी वाला मैच मेन इवेंट करेगा ऐसी बातें आ रही है सामने, रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, तो
मेरे हिसाब से शायद मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच को मेन इवेंट करना चाहिए था। आई नो रिया रिप्ली वहां की नेटिव हीरो है, लेकिन फिर भी रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स मुझे एक बिग मैच की वाइब नहीं देता है। बाय द वे इस मैच के अंदर पता है एक चीज इंटरेस्टिंग है, वो ये कि नाया जैक्स कहीं ना कहीं चांस बना चुकी है कि वो रिया रिप्ली को हरा सके। तो देखोगे लगातार जो नाया जैक्स हर जगह स्क्वैश करनी है रिया रिप्ली को, लेकिन मुझे लगता है कि रिया रिप्ली के पास से चैंपियनशिप जाने वाली, दैट्स व्हाई जो मेरे पिक है वो रिया रिप्ली रहेंगी। आई थिंक इरेडिकेटर जाएंगे रेसलमेनिया के अंदर उस वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ में, और ऊपर से उनका होम टाउन है। बाय द वे अगर मेन इवेंट मैच हो रहा है तो मेरे हिसाब से टाइटल चेंज बनता है, लेकिन टाइटल चेंज होगा नहीं, दैट्स व्हाई मेरे पिक रिया रिप्ली रहेंगी। इसके अलावा शो पर एक बड़ा सेगमेंट होने वाला है जहां पर ग्रेसन वॉलर अपना वॉलर इफेक्ट होस्ट करेंगे, और उनके साथ स्पेशल गेस्ट होंगे वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस एंड द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। एंड शो के मेन इवेंट से ज्यादा मैं इस वाले सेगमेंट के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले मैच के अंदर रेसलमेनिया का जो टैग टीम एक्शन होगा ना, जहां पर सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स फेस करेंगे रोमन रेंस एंड द रॉक का, ये चीजें कहीं ना कहीं ऑफिशियल होंगी। और ऊपर से द रॉक एक सरप्राइज कमबैक को लेकर भी बातें चल रही थी। तो देखो अभी फिलहाल कुछ अपडेट्स आई हैं सामने, तो मैं लाइन वाइज तुम लोगों को अपडेट बताता हूं। पहले अपडेट यह है कि WWE वाले शायद द रॉक की जो चीज है वो प्लान कर सकते हैं, उनका सरप्राइज हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। उसके बाद ट्रिपल एच खुद ब खुद ये बात कंफर्म करते हैं कि भाई फ्यूचर इवेंट्स के अंदर द रॉक डेफिनेटली पार्ट होंगे WWE का, लेकिन वो एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट नहीं होंगे। बस आज से कुछ घंटे पहले एक और अपडेट आई है सामने, ये अपडेट डेव मेल्जर की तरफ से आई है। मेल्जर ने यहां पर ये कहा है कि द रॉक हमें एलिमिनेशन चेंबर के अंदर दिखाई नहीं देने वाले हैं, और ऊपर से WWE ने खुद ब खुद एक वीडियो डाली थी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। आई गेस वो कल शाम या रात की वीडियो थी या फिर कल सुबह, ऐसे कुछ टाइमिंग मुझे ऐसे याद नहीं, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी उसके अंदर द रॉक को शर्त रख रहे थे। द रॉक ने ये कहा था भाई मैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आऊंगा, ग्रिसेल वॉरर का शो होने वाला है, एक कंडीशन बस उन्होंने ये रखी थी कि अगर द रॉक तब आएंगे जब सेथ रॉलिंस एंड जो कोडी रोड्स है उनको लेकर कोई उल्टी सीधी बात करेंगे, ट्रैश टॉक करेंगे, तो ये चीजें द रॉक को मजबूर कर सकते हैं कि वो तुरंत ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी फ्लाइट पकड़े, और फ्लाइट पकड़ने के बाद वो आती हुई नजर आता हुआ नजर आए अपने हमारे द रॉक एलिमिनेशन चेंबर के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। तो फिलहाल ये कुछ चीजें, ये कुछ मिक्स अपडेट्स हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रॉक के पूरे स्टेटस को लेकर। तो देखो मेरे हिसाब से एक्चुअल में चांस है द रॉक के अपीयर होने का, हम लोग हल्की सी होप्स लगा सकते हैं, क्योंकि द रॉक ने कहा है कि भैया अगर ट्रैश टॉक वो करते तब तो मैं आ जाऊंगा। और ऊपर से बड़ी बात ये भी तो है कि ग्रेसन वॉलर वाली जो चीज है वो शो का मेन इवेंट नहीं है, तो सपोज करो अगर ग्रेसन वॉलर का शो ओपन करता है ठीक है पूरे एलिमिनेशन चेंबर को, हो सकता है द रॉक मेन इवेंट तक अपीयर हो जाए कि भैया द रॉक ने फ्लाइट में बैठ लिया है और द रॉक आ रहे हैं, WWE ये जो हाइप है पूरे शो में कंटिन्यू करेगी। तो मुझे इस चीज का हल्का सा चांस लग रहा है, बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करना, तुम्हारा क्या सोचना है इस चीज के बारे में बताना कॉमेंट सेक्शन के अंदर, क्या तुम्हारे हिसाब से द रॉक अपीयर होंगे या फिर नहीं। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।